उसको 500 रुपए देना पड़ता है सर, आप मुझे भी बताओ जिस 10 मीटर के गैप सर, आप इस टाइम मुझे धमका रहे हो, मैं एसएचओ के पास ले जाऊंगा। नहीं इसमें कौन सी एसएचओ की बात है, हम खुद कर रहे हो, मैं खुद एसएचओ हूँ, आप क्या बोल रहे हो एसएचओ के पास ले जा रहा हूँ, मैम कह रही है कौन सी बात है आपकी, किसने बोला आपको एसएचओ के पास जाने के लिए सर, तरीका होता है ना सर, आपने खुद बोला मुझे या नहीं बोला, आपने ये बोला कि मुझे थोड़ा सा पीछे मेरी घबराहट हुई मैंने खोल दिया, आपने खुद बोला, और आप अभी झूठ बोल रहे हो यार, क्या ये क्या होता है, सच होता है ये सच होता है, सच होता है ये, आपने बोला मुझे पीछे थोड़ी सी सर्वेक्षण, आपको बात करने से हमने नहीं रोका आपको, नहीं मेरे साथ बात करो ना आप, मेरी आपने क्या बोला मुझे, आप सच सच पहन गया था वहां से लेकर यहाँ तक सर, अगर मुझे 500 रुपए देना, आपने वहाँ खोला था, आपने यही बोला ना कि मैंने मुझे ये घबराहट हुई मैंने खोल दिया, मैं अगर बंदा सीट बेल्ट खोल रहा है उसको 500 रुपए देना पड़ता है सर, आप मुझे बताओ जिस 10 मीटर के गैप में सर, आप इस टाइम मुझे धमका रहे हो, मैं एसएचओ के पास ले जाऊंगा, नहीं इसमें कौन सी एसएचओ की बात है, हम खुद कर रहे हो, मैं खुद एसएचओ हूँ, आप क्या बोल रहे हो एसएचओ के पास ले जा रहा हूँ, मैम कह रही है कौन सी बात है आपकी, आपने खुद बोला कि मैंने नहीं पहना हुआ, आपको बोला सर मैंने सर, मुझे सफोकेशन हो रही थी वहां तक सर, मैं स्टूडेंट बन रहा हूँ, ठीक है 500 रुपए मेरे से ले रहे हो, वो बात अलग है, जो आप ये बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है वो बात अलग है, मगर आप मैंने को दे दी, मगर आप ये मत बोलो ना कि मैंने पहनी हुई थी, आप झूठ बोल रहे हो, पहले जब मैंने मेरे सामने आपने बोला है कि मैंने नहीं पहनी थी यार, आप मैंने सीधे बोल दिया, अभी आप नौजवान पीढ़ी हो, आप अगर सच नहीं बोलोगे बाकी वाले क्या करेंगे, आपको देखकर बाकी वाले क्या सीखेंगे, दिस इज नॉट फेयर, अगर आपको बाकी वालों को बोले आपके पास पैसे नहीं है, आप हमें भी बच्ची की तरह हम भर देंगे आपके पैसे, कोई बात नहीं, हमें भी काम ऐसी कोई बात, यहाँ से लेकर वहां तक सर मेरे को बेल्ट नहीं पहन गया था, नहीं पहनी थी ना, बाकी डॉक्यूमेंट सर मेरे फिट सब, हमने आपको किसी चीज का किया, और हम भी इसी कर रहे हैं कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, अगर आपके कागज पूरे तो हमने कागजों का नहीं किया है, तो सर ये क्या इसमें कौन सी बात है, एसएचओ के पास ले जाओगे किस बात के लिए, किस बात के, हाँ हाँ इसको दे दिया आप, हो गया ना, चलो फिर आप कोर्ट में पे कर देना, ठीक है, एसएचओ के पास जाना है, किसने बोला आपको एसएचओ के पास जाने के लिए सर, तरीका होता है ना सर, बात करने का, आप मीडिया पे होकर झूठ बोलते हो यार, आप जवान बच्चे हो क्या बोलते हो आप, आपने जैसे नौजवानों को क्या दोगे, अच्छा कैसे ये बताइए ना, आपका आपके आगे माइक नहीं हमने किया, आगे रख रहे इतनी, हम आपकी बात को भी आगे रख रहे हैं, आपने वायलेशन किया तो उसकी गलत हुआ कि सही हुआ, आपने सीट बेल्ट पहनी थी या नहीं पहनी थी आप ये बता दें, अगर आपने देखा होता तो आप फिर ट्रैफिक वाले ने, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका तब आपने सीट बेल्ट लगाई थी, कब 10 मिनट पहले मैं लगाई थी मैंने, अब थोड़ी बहुत सफोकेशन होगी मेरे को, तभी निकाल दी मैंने, रोका किया तब लगाई थी, कब जब इधर रोक, ये तो एक बहाना है कि सफोकेशन सर, बहाना हम नहीं करते हैं सर, ये बहाना सर, आप जाके देखो गाड़ी में, आप देखो शर्मा जी का नाता जो है उसके, कोई नहीं कह सकते हैं कि स्पेशल मोबाइल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रैफिक जम्मू द्वारा इस समय जो है वो जम्मू के सिदरा में बड़ा नाका यहाँ पर लगाया गया, और वहीं एक युवक को जो कि बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहा था उसे जब ट्रैफिक पुलिस ने वहां पर रोका तो बिना सीट बेल्ट के वहां पर पाया गया, हालांकि युवक का ये कहना है कि उसने 10 मिनट पहले ही जो है वो सीट बेल्ट को उतारा था, उसे सफोकेशन हो रही थी और उसके चलते उसने सीट बेल्ट को उतारा, लेकिन वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा यहां पर नाका लगाया गया और यहां पर काफी ज्यादा बहसबाजी इस समय यहां पर हो रही है, और आप जनता भी अपने सुझाव जो है वो उस पर जरूर दीजिएगा, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।